नमस्कार। गत परीक्षाओं में पूछे गए अपठित काव्यांश के बारे में एक उदाहरण बता रही हूँ। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शौक मनाता है। इसमें प्रश्न पहला है, जीवन में एक सितारा था, कवि ने सितारा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने सितारा शब्द का प्रयोग अपने प्रिय व्यक्ति के लिए किया है। कवि ने क्या संदेश दिया है, दूसरा प्रश्न है। इससे उसके किस दृष्टिकोण का परिचय मिलता है? कवि ने विगत दुख को भूलकर फिर से आनंदपूर्वक जीने का संदेश दिया है, इससे उसके आशावादी दृष्टिकोण का परिचय मिलता है। तीसरा प्रश्न है, अंबर को क्या क्या सहन करना पड़ता है? इसका उत्तर होगा, अंबर को अपने तारों से बिछुड़ना पड़ता है। चौथा प्रश्न है, अंबर टूटे तारों पर शोक क्यों नहीं मनाता? उत्तर होगा, अंबर दुख और विचोह को जीवन का स्वाभाविक अंग मान करके चलता है, इसलिए वह किसी भी टूटे हुए तारे का शोक नहीं मनाता है। प्रश्न है, कवि ने अंबर का उदाहरण क्यों दिया है? अंबर और कवि के जीवन में समानता है। जैसे कवि की पत्नी चल बसी थी, उसी प्रकार आकाश के भी अनेक चमकते तारे नित टूटते रहते हैं। प्रश्न है, आनंद का एक पर्यायवाची लिखिए। आनंद का मीनिंग होता है मुख या मुखड़ा या मुंह।